मौलानाओं को सीएम योगी की दो टूक। योगी के इस बयान से मौलाना हो गए परेशान। योगी ने कर दिया साफ, कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, घंटा घड़ियाल भी बजेगा। क्या है पूरी खबर और कैसे सीएम योगी ने एक बयान देकर मौलानाओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर हमलावर भी खूब है। एक विशेष समुदाय से विपक्ष के प्रेम को लगातार उजागर भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा है, जिनको घंटे और शंख से परेशानी होती है वो अपने कान बंद कर ले। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, घंटा घड़ियाल भी बजेगा। सीएम योगी का ये धाकड़ बयान एक बार आपको भी सुन लेना चाहिए। याद करिए, 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहना कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की, जिनको परेशानी है अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और संघ से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और संघ से परेशानी, वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है, और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए हैं। और यह भी दिया है बैनर वाइयों, एक कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही, क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था। सीएम योगी के इस बयान पर जैसे कमेंटों की बौछार आ गई। एक यूजर ने लिखा, जो लोग घंटों और शंख की आवाज से परेशान हैं, उन्हें कान बंद कर लेने चाहिए। हमारी संस्कृति और परंपराओं में कोई समझौता नहीं होगा। कावड़ यात्रा में डीजे बजेगा और धार्मिक ध्वनियां भी गूंजेगी, यही हमारी शक्ति और आस्था है। तो वहीं दूसरे यूजर ने योगी की जमकर तारीफ की और लिखा, एक ही तो दिल है योगी जी और कितना बार जीतेंगे हमारा। ये सदी आपको योगी बाबा से कम बुलडोजर बाबा के नाम से ज्यादा याद रखेगी। जय योगी, तय योगी। प्लस सीएम योगी के इस धाकड़ बयान की खूब चर्चा हो रही है। योगी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।